मछली मारने गए डुमरी पंचायत के राम बहादुर पासवान के 15 वर्षीय पुत्र नटवर पासवान की लाश को जिला से आए एनडीआरएफ की टीम ने पानी में घुसकर खोज निकाला। मालूम हो कि बीते दिन लगभग 2 बजे मृतक मछली मारने के दौरान गहरे पानी में डूब गया था। परिजन को डूबने की खबर पर जब जीवछ नदी पहुंचा तो कोई अता पता नहीं। इसकी सूचना अंचलाधिकारी को दी गई। अंचलाधिकारी ने गोताखोर को बुलाया गया लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद भी नहीं मिल पाया। फिर आज पुनः एनडीआरएफ की टीम ने स्थल पर खोजबीन शुरू किया और जहां घंटों बाद लाश घटनास्थल से महज 16 इंच के फीट की दूरी पर पानी में घास के अंदर फंसा था, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। बताया जा रहा है कि मछली मारने के क्रम में मृतक नटवर का पैर फिसल गया, जिसमें वह गहरा पानी में डूब गया, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने सबको आज 24 घंटे के बाद निकाला। वहीं अंचलाधिकारी ने सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा, जहां मृतकों के परिजनों को नेमाकुल, जो सरकार की ओर से सहायता राशि है दी जाती है, उसे मुहैया कराया जाएगा। यह बात अंचलाधिकारी ने कही।